दिस इज टाटा का 16-13। ये कंस्ट्रक्शन टिपर है और इसमें स्लीपर केबिन आता है। ये गाड़ी कम्प्लीटली हिल्स में चलने के लिए बनाई गई है। ये जो बॉडी है वो हिल्स में किसी भी तरफ सामान गिराना पड़ता है, तो तीनों तरफ से इसको खोल सकते हो, यानी कि ड्रॉप साइड डेक है, वन साइड, टू साइड और तीसरी तरफ से भी गिरा सकते हैं। भाई बहुत चल गया यार, 10,09,576 किलोमीटर। ये हमारा 1020 के टायर है, पर इस टायर में कोई ब्रांड नहीं। और देखो हैवीनेस के लिए कितनी सारी कमानियां पट्टे बढ़वा दिए गए। फ्रंट में सादा स्टीयरिंग आती है, रिवर्स एलो टाइप एक्सल है, नॉर्मल वाला, यहाँ टाटा का ब्रांडिंग होता है। ये हिल्स में साइड नापने के लिए लगाया होता है, इससे ड्राइवर को पता चलता है कि गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। इसकी बॉडी बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, और क्योंकि एयर प्रेशर ब्रेक्स इतने बढ़िया तरीके से नहीं आते, इसलिए इसमें एग्जॉस्ट ब्रेक लगाए जाते हैं क्लच के ठीक बाजू में। वैसे गाड़ी 16-13 है, मतलब 130 हॉर्स पावर के आसपास की पावर और 16 टन का पेलोड, अली गाड़ी का वजन 6 टन होता है। इसकी बॉडी बहुत ज्यादा अलग होती है और इसको चलाना मतलब अपने आप में एक जिम होती है। जैसे इस गाड़ी में कहीं भी नंबर प्लेट नहीं है, वैसे इस गाड़ी में रेटेड लोड से बहुत ज्यादा, यानी कि 27 टन तक भर के लेके जाते हैं। ऐसे और कमाल के ओवरलोड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे नीचे फॉलो कर सकते हैं।